class. This is our next class of Anna and Physio, in which we will study about the anatomy and physiology of the eye. In our previous class, we just study about the anatomy of the eye. And in our this class, in our today's class, we will study the eye with their anatomy and also with physiology. हम दोनों चीज़ें साथ साथ पढ़ लें तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हालांकि एनाटॉमी हम पूरी कर चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा उसको। अब आप जो है वो एना फिजियो दोनों देख लीजिए। हम अब क्या क्या पढ़ेंगे आई की एनाटॉमी में, हमारे को एसेसरी स्ट्रक्चर्स पढ़नी है। आई बॉल की स्ट्रक्चर जिसमें फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर्स ट्यूनिक, नर्वस ट्यूनिक आएगी, ये पढ़ना है। आई की इंटीरियर स्ट्रक्चर जैसे एंटीरियर कैविटी, विट्रस चैम्बर, लेंस, ये सब आएगा। और फिजियोलॉजी के भाई इमेज कैसे बनती है और हम किस चीज़ को कैसे देख सकते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ विज़न आएगा। तो ये सारे जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो हमारे को अपने आई के टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं, आई की एनाफिजियो में पढ़ने हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ एसेसरी स्ट्रक्चर्स। देखिए आई में एसेसरी स्ट्रक्चर्स में स्किन लेयर होती है, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, टार्सल प्लेट एंड मेबोमायन ग्लैंड या माइबोमायन ग्लैंड या मेबोमिन ग्लैंड, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाहें आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग आप करिए। आपको देखिए स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, मेबोमियन ग्लैंड भी आपको अच्छे से दिखाई दे रही है आई की एसेसरी स्ट्रक्चर में। स्किन के अंदर की तरफ ये जो लॉन्ग रेड स्ट्रक्चर है वो ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल्स हैं। इसके पास में आपको हेयर फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं, पेरी फॉलिकुलर ग्लैंड दिखाई दे रही हैं। हेयर फॉलिकल्स के पास में पेरी फॉलिकुलर ग्लैंड हैं जो कि आपकी क्या बनाती हैं, आई लैशेज बनाती हैं। यहीं से आपकी आई लैशेज बन रही होती हैं। तो ये चार एसेसरी स्ट्रक्चर्स आई लिड की एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन लेयर, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई, टार्सल प्लेट एंड माइबोमियन ग्लैंड। आई लिड्स इनसे बना हुआ है, ये आई लिड्स का पार्ट बढ़ा करके इसके अंदर दिखाया गया है। आई लिड्स क्या है, ये दो मेन फंक्शंस कर रहा होता है। एक तो आईबॉल को प्रोटेक्शन देता है और दूसरा इसी से आंसू बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बाहर गिरते हैं, बहते हैं। तो सीक्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज ऑफ टीयर्स का ये आईलिड काम करता है और आईबॉल को प्रोटेक्शन देता है। दूसरी स्ट्रक्चर है आई लैशेज और आईब्रोज। हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनके अंदर, मेनली पता है ये बात आपको। ये भी आई को प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से, डस्ट से, परस्पायरेशन से और किसी भी तरह की फॉरेन बॉडी से आई को प्रोटेक्ट करने का काम ये आई लैशेज और आईब्रोज करते हैं कि बाहर की कोई भी धूल, मिट्टी, गंदगी, कोई भी रोशनी वगैरह आपकी आंखों में सीधी डायरेक्ट ना आ सके, क्योंकि आंख बहुत ही नाजुक सी स्ट्रक्चर है, आपके बॉडी का बहुत नाजुक ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो प्रोटेक्ट करने का ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा लैक्राइमल एपरेटस, देखिए आंखों के पास, ये मैंने अपने पिछले जो टॉपिक मैंने एनाटॉमी पढ़ाई थी वहाँ पर भी ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसा ही पढ़ाया था। ये डक्टस और लैक्राइमल ग्लैंड बताई गई हैं। डक्टस मतलब जो लैक्राइमल ग्लैंड के सीक्रीशन को आई तक लेकर के आने का काम कर रही होती हैं। ये सुपीरियर इन्फीरियर कैनेलिक्यूलाई है, ये लैक्राइमल सैक है जिसमें आंसू रह रहे होते हैं, और ये नेजोलैक्राइमल डक्ट है। तो आपने देखा है कि कई बार हमें जब हम बहुत फूट फूट के रो रहे होते हैं तो आंखें बहने के साथ नाक भी बहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स हैं, कोई अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो आंखें बहती है, नाक भी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्यों बहना स्टार्ट हो जाता है वो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं अच्छे से, कि नाक में भी जो है लैक्राइमल सैक और नेजोलैक्राइमल डक्ट पाई जा रही होती है। अब लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे है, ये आई के हर एक आई के आई ऑर्बिट के आउटर पोर्शन और अपर पोर्शन पे पाई जाती है। लॉब्यूलेटेड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि टीयर का सीक्रीशन करती है। लॉब्यूल्स होते हैं इनमें और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ा था और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का नाम भी आया था, जिसमें नाम आया था लैक्राइमल ग्लैंड का, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो वापस से दोबारा से उस सिस्टम को पढ़िए। दूसरी है लैक्राइमल डक्ट्स, लगभग 6 से 12 लैक्राइमल डक्ट्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। ये टीयर को डंप करने का काम करती है कंजक्टाइवा के सरफेस के ऊपर, जो हमारे अपर लिड में
पैल्पेब्रल पार्ट है ग्लैंड का, उसके द्वारा अपर लिड के कंजक्टाइवा के सरफेस के ऊपर टीयर को डंप करने का काम ये लैक्राइमल डक्ट करती है। नेक्स्ट टीयर फिल्म, ये क्या है? लिपिड की एक लेयर होती है जो कि माइबोमियन ग्लैंड, जो कि एक ऑयली ग्लैंड है, हाइड्रोफोबिक होती है ये, इससे ये लिपिड की लेयर प्रोड्यूस होती है। ये इसके अलावा एक एक्वस लेयर पाई जाती है जो कि लैक्राइमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है। भाई दो लेयर्स है टीयर फिल्म में, क्या होती हैं? दो लेयर्स होती है, एक लिपिड की लेयर और एक एक्वस लेयर, और तीसरी लेयर होती है वो है म्यूकस की लेयर। लिपिड की लेयर माइबोबियन ग्लैंड से बनती है, एक्वस की लेयर लैक्राइमल ग्लैंड से बनती है, और म्यूकस की लेयर जो है वो माइक्रोस्कोपिक गॉबलेट सेल्स होती है कंजक्टाइवा में, उससे बनती हैं। तो लिपिड की लेयर हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, पानी से दूर रहती है क्योंकि वो लिपिड है। एक्वस लेयर जो लैक्राइमल ग्लैंड से बन रही है, लैक्राइमल ग्लैंड स्प्रेडिंग कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शस एजेंट, इन्फेक्शस एजेंट को रोकने फैलने से बचा रहा होता है। और एक म्यूकस की लेयर जो कि कंजक्टाइवा में माइक्रोस्कोपिक गॉबलेट सेल से बनती है, कोटिंग इसकी पाई जा रही होती है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा बड़ा करके अपन देखें टीयर फिल्म को, कॉर्निया और कंजक्टाइवा के साथ में दिखाया हुआ है, कितना अच्छा डायग्राम में कंजक्टाइवा दिखाया गया है, कॉर्निया दिखाया गया है, इसमें टीयर फिल्म है जिसमें म्यूकस की लेयर, वाटरी लेयर और ऑयली लेयर दिखाई गई है। अब कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आईलिड को कवर किए रखती है, आईलिड की लाइनिंग बनाती है और एंटीरियर आईबॉल को कवर किए रखती है अप टू द एज ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के एज तक ये एंटीरियर आईबॉल को कवर किए रखती है और आईलिड की ये लाइनिंग बनाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है, वो कंजक्टाइवा है। ये बल्बर और पैल्पेब्रल दो तरह की हो सकती है, बल्बर स्क्लेरा को कवर किए रखती है और पैल्पेब्रल जो है वो अपर और लोअर लिड्स के अंदर की लाइनिंग बना रही होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा दिखाई दे रहा है और ये कंजंक्टाइवा दिखाई गई है जो कि आईलिड की लाइनिंग और आई के सरफेस पर कंजंक्टाइवा आपको दिख रही है। आप देख सकते हैं अच्छे से, क्लियर इस डायग्राम को देखिए और जो ऊपर बताई गई ये बात उसको समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है लिड रिट्रैक्टर्स, ये आईलिड की ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये लिड रिट्रैक्टर्स के ही थ्रू आपकी आईलिड की ओपनिंग हो रही होती है। कैसे आप आंख को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, इसमें लेवेटर पैल्पेब्रल लेवेटर पैल्पेब्री होती है जो सुपीरियर मसल है, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर ऑरिस मसल, लोवर्ड लिड रिट्रैक्टर, लोअर पार्ट में लिड रिट्रैक्टर होता है, इन्फीरियर रेक्टस होती है, एक्सटेंड्स विद द इन्फीरियर ऑब्लिक एंड इंसर्ट इनटू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टार्सल प्लेट, टार्सल प्लेट के लोअर बॉर्डर में इंसर्ट हुई हुई रहती है, ये इन्फीरियर रेक्टस। तो ये देखिए लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस और नीचे सुपीरियर टार्सल प्लेट, ये दो स्ट्रक्चर इसमें दिखाई गई है। अपन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं आई की। नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, इन मसल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स भी पाई जा रही होती है जैसे रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। इस ऑब्लिक मसल के बारे में भी पहले भी मैंने आपको बताया था। रेक्टस मसल में सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस आ रही होती हैं। आप डाइग्राम में देखिए सबसे ऊपर सुपीरियर रेक्टस, नीचे इन्फीरियर रेक्टस, साइड में लेटरल रेक्टस और यहाँ पर ये जो है वो मीडियल रेक्टस पाई जा रही हैं। ऑब्लिक मसल के अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर, तो ऊपर और नीचे दो पाई जा रही है। देखिए नीचे जो लंबी सी आ रही है वो इन्फीरियर ऑब्लिक और ऊपर से जो ये लंबी निकल करके घूम के जा रही है वो सुपीरियर ऑब्लिक मसल हैं। तो ये टोटल जो है वो छह तरह की मसल्स पाई जा रही होती है, एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स छह तरह की हैं। अब आईबॉल की स्ट्रक्चर अपन देखें तो फाइब्रस ट्यूनिक, सबसे पहली स्ट्रक्चर जो है वो है फाइब्रस ट्यूनिक अपन इसमें देख रहे हैं, जिसके अंदर कॉर्निया और स्क्लेरा आता है। कॉर्निया और स्क्लेरा जो है एक गोल शेल बनाता है जो कि आईबॉल की आउटर वॉल का मेकअप कर रहा है, आउटर वॉल को बना रहा है, विच मेकअप द आउटर वॉल ऑफ द आईबॉल। कॉर्निया और स्क्लेरा क्या करता है, एक ऐसी स्फेरिकल शेल बना लेता है, एक ऐसी स्फेरिकल कवरिंग है, गोल सी कवरिंग है जो आईबॉल की आउटर वॉल बनाने का काम कर रही होती है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये स्क्लेरा जो है ये ऐसी ग्रे से कलर की स्क्लेरा पूरी आउटर कवरिंग बना रही है और दूसरी ये कॉर्निया दिखाई गई है जो भी आई को कवर कर रही है, आई को कवर करने का काम कर रही है।
तो आप ये स्क्लेरा और कॉर्निया को देख सकते हैं जो कि शेल बना रही है, स्फेरिकल शेल आई के चारों तरफ या आई बॉल के आउटर वॉल को दर्शाती हुई। स्क्लेरा जो है वो प्रिंसिपली कोलाजिनस नेचर की होती है, इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ए वेस्क्यूलर है अपार्ट फ्रॉम सम वेसल्स ऑन इट्स सरफेस, कि सरफेस पर थोड़ी बहुत कुछ वेसल्स पाई जा रही होती है, बाकी इसका वेसल से कोई लेन देन नहीं होता। और ये ए सेल्यूलर भी होती है, सेल्स भी इसमें नहीं, रिलेटिवली ए सेल्यूलर। ये स्क्लेरा की खासियत, जबकि कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों मर्ज होते हैं एक कॉर्नियल एज पर जिसको अपन लिम्बस कहते हैं। कॉर्नियल एज पर कॉर्निया और स्क्लेरा मर्ज हो जाती हैं जिसको अपन क्या कह रहे हैं, लिम्बस। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए जहाँ पर स्क्लेरा कॉर्निया मर्ज हो रही होती है, मिल रही है, वो लिम्बस स्ट्रक्चर है। अब कॉर्निया का क्या चीफ फंक्शन है, हम फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज वाली क्लास में हम एना और फिजियो दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे को कॉर्निया का चीफ फंक्शन भी देखना है। चीफ फंक्शन आर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द आई, आई के अंदर किसी भी फॉरेन पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से बचाने का काम, रोकने का काम कॉर्निया करता है। इसके अलावा ये लाइट को ट्रांसमिट भी करता है और फोकस भी करता है, यानी रिफ्रैक्शन का काम भी ये कर रहा है। और डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट जो लाइट होती है, जो सन लाइट्स के अंदर यूवी रेज जो है वो आँखों के अंदर ना चली जाए, उससे बचाने का काम भी, स्क्रीन आउट करने का काम भी कॉर्निया ही कर रहा होता है। ये कॉर्निया आप देख सकते हैं इसको, इसमें एपिथेलियम, बोमेन मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डिसेंस मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, ये सारी स्ट्रक्चर इसमें दिखाई गई है और ये कॉर्निया की स्ट्रक्चर बताई गई है। अब इसमें जो सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने आउटसाइड की स्ट्रक्चर बोली वो है एपिथेलियम, जो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई होती है। ये थिन लेयर होती है जो कि स्ट्रोमा को डिहाइड्रेटेड रखती है और आई पर शील्ड का काम कर रही होती है व्हाइल बीइंग एबल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द कॉर्निया। इसके अलावा कॉर्निया तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम भी ये एपिथेलियल सेल्स ही कर रही होती हैं। ये कॉर्निया को बचाने के लिए एक बैरियर, एक रुकावट का काम भी करती है कि कोई भी फ्री फ्लो फ्लूड जो है, रेजिस्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ फ्लूड्स फ्रॉम द टीयर, टीयर से जो है वो फ्री फ्लो फ्लूड जो है बिना रीज़न के बाहर ना निकल जाए, उसको रेजिस्ट करने का काम कर रही है, बैक्टीरिया से बचा रही है कि एपिथेलियम जो है वो बैक्टीरिया से भी हमको बचाती है, कॉर्नियल स्ट्रोमा में ना घुस जाए बैक्टीरिया, उससे भी ये बचाने का काम कर रही होती है। तो ये देखिए, ये एपिथेलियल लेयर जिसके अंदर सुपरफिशियल सेल्स हैं, विंग सेल्स हैं, बेसल लैमिना हैं, हेमीडेस्मोसोम्स हैं, डेस्मोसोम्स हैं, स्ट्रक्चर बताई गई है यह आपको। और इनको भी देखो, ऊपर आपको टेढ़ी मेढ़ी जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई चारों तरफ टीयर फिल्म बताई गई है, ग्लाइकोकैलिक्स दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। तो ये एपिथेलियल लेयर है। एपिथेलियम में ये कैसी है, पेन के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इसलिए आप जानते हैं कि आपकी आँख में चोट तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, इवन किसी का हल्का सा हाथ भी टच हो जाए तो अजीब सा फील होने लग जाता है, आँख गीली हो जाती है, आंसू आ जाता है, लाल हो जाती है हल्का सा टच होने पर भी, तो कोई चीज़ चोट लगना तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, क्योंकि ये पेन के लिए हाईली एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। ये वापस रीजनरेट हो सकती है अगर इसमें कोई भी डैमेज हो जाए किसी डिसऑर्डर की वजह से, जैसे रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन हो जाए, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉफी हो जाए, डायबिटीज़ मेलाइटस में ऐसा होता है। रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन क्या है, इसके अंदर कॉर्निया की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल सेल्स की, जो कि नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, वो जुड़ नहीं पाती है, फेलियर हो जाती है, फेलियर ऑफ द कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स टू अटैच टू द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। नॉर्मली तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से चिपकी हुई रहती है, पर रिकरेंट कॉर्नियल इरोजन के अंदर ये कॉर्निया जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से, उसकी जो एपिथेलियल सेल्स है वो चिपक नहीं पाती है। दूसरी कंडीशन है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या है, एपिथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एबनॉर्मली वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिससे कि एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रॉपरली चिपक नहीं पा रही है,
इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एबनॉर्मली ज़्यादा डेवलप हो गई इसलिए चिपक नहीं पा रही, तो ये अलग कंडीशन है। तो इसलिए इसका नाम हमने ऊपर में कॉर्नियम इरोजन हो रहा था तब वो चिपक नहीं पा रही थी तो कॉर्नियल इरोजन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिस्ट्रॉफी हो गई है। डिस्ट्रॉफी मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, उसको डिस्ट्रॉफी कहते हैं अपन। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस में भी जो है एपिथेलियल सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर चिपक नहीं पाती, इस बीमारी की वजह से पुअर एडहेशन हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो है वो डैमेज कॉज कर सकती है एपिथीलियम में, पर ये वापस रिजेनरेट भी हो जाती है डैमेज के बावजूद। सेकेंड स्ट्रक्चर थी बोमेंस मेम्ब्रेन, ये स्मूद ए सेल्यूलर नॉन रीजेनरेटिंग लेयर होती है, रीजेनरेट नहीं होती हैं, एकदम स्मूद है, बिना ए सेल्यूलर है, जो सेल्स इसमें नहीं हैं इसलिए ए सेल्यूलर। कहाँ पर पाई जाती है, सुपरफिशियल एपिथीलियम और स्ट्रोमा के बीच में, आई के कॉर्निया के स्ट्रोमा और सुपरफिशियल एपिथीलियम के बीच में ये बोमेंस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, कोलाजन की बनी होती है, ये दोबारा रीजेनरेट नहीं हो सकती अगर इसमें कोई भी डैमेज हो जाए तो वहाँ सीधा स्कार बनेगा, और ये हील एज इट हील्स विच कैन लीड टू विजन लॉस, क्योंकि ये जब हील होती है तो स्कार के रूप में होती है, तो फिर उस जगह से आपको दिखाई नहीं देगा जहाँ स्कार बन गया है, क्योंकि स्कार तो डेड टिश्यू ही है जो कोई काम का नहीं होता, तो विजन लॉस हो जाता है उस एरिया के अंदर, बोमेंस मेम्ब्रेन की ये खासियत है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर थी स्ट्रोमा, ये बोमेंस मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है, प्राइमरीली 78% इसमें वाटर और 16% इसमें कोलाजन होता है, इसके अलावा केराटोसाइट्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स हैं केराटोसाइट्स। ये कॉर्निया को स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, फेयरली डिहाइड्रेटेड होता है विच कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द लाइट कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को बनाता है ताकि लाइट का कंडक्शन हो सके। डायग्राम में देख सकते हो आप केराटोसाइट्स दिखाई दे रही है कॉर्नियल स्ट्रोमा के अंदर, देखो ये केराटोसाइट्स है, इलेबोरेट करके दिखाया गया, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है। 90% टोटल कॉर्नियल थिकनेस ये इस तरह से बनी हुई होती है, ये ग्राउंड सबस्टांस, इसमें ग्लाइकोसामिनो ग्लाइकन होता है, इसकी यूनिफॉर्मिटी 25 से 35 नैनोमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर इसका होता है, रन पैरेलल टू वन अनदर, ये कोलाजन फाइबर्स के बारे में बताया है कि ये फ्लैट बंडल्स बना रहे होते हैं जिसको अपन लैमिली कहते हैं, ये लाइनें दिख रही है ना, ये लैमिली है। तो ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के बाद हमारे को नेक्स्ट पढ़नी है डिस्मेट्स मेम्ब्रेन। डिस्मेट्स मेम्ब्रेन ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है स्ट्रोमा के नीचे, इंटीरियरली ये कोलाजन का और पोस्टीरियरली ये एंडोथीलियल का बना होता है, इंटीरियरली ये कोलाजन और पोस्टीरियरली ये एंडोथीलियल का बना होता है, इंजरी के बाद ये रिजेनरेट हो जाता है, अगर कोई इंजरी हो जाए तो वापस ये रिजेनरेट हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कुछ चीज़ें रिजेनरेट हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती, तो हो सकती है उसमें एपिथीलियम आती है और डिस्मेट्स मेम्ब्रेन आती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोथीलियम, ये मोनोलेयर सेल्स हैं जो कि डिस्मेट्स मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती हैं, ये हमारे आई में फ्लूड को रेगुलेट करती है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एंटीरियर चैम्बर और स्ट्रोमा के बीच में सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करती है और फ्लूड को ये रेगुलेट करती है। एंडोथीलियल पंप एक एनर्जी डिपेंडेंट मैकेनिज्म है जो कि आयरन ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है स्ट्रोमा से एक्वस ह्यूमर के अंदर वो इसी के थ्रू हो रहा होता है, ये एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना देते हैं जिसमें स्ट्रोमा से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, इस तरह का ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ये क्रिएट कर देता है। तो ये एंडोथीलियल पंप इसके अंदर चल रहा होता है एंडोथीलियम के अंदर। एंडोथीलियम में ये जो सेल्स हैं ये वापस, इसकी भी खासियत ये भी रीजेनरेट नहीं हो सकती अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर उस केस में हमारे को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। तो आपने कई लोगों को सुना है कि उन्होंने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करवाया है क्योंकि एंडोथीलियल सेल उनकी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो जहाँ कहीं भी डिफेक्टिव कॉर्निया होता है उसको अपन रिमूव कर देते हैं किसी डोनर कॉर्निया के साथ में जो सिमिलर डायामीटर का होता है, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो देखिए ये कॉर्निया आपको दिखाया गया है, डोनर आई और रिसिपेंट आई का कॉर्निया, हमने रिसिपेंट आई के कॉर्निया की जगह ये डोनर आई का कॉर्निया लगा दिया, कितना अच्छा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ। देखिए आप, डोनर कॉर्निया इज रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड टू रिसिपिएंट आई, और ये स्कैड कॉर्निया है जो डिस्कार्ड करना है, अब अपने कोई काम का नहीं है, ये कॉर्निया ख़राब हो चुका है, स्कार टिश्यू बन चुके हैं, तो इसको निकाल करके फेंक दीजिए।
अब कॉर्नियल स्क्लेरा का क्या काम है भाई, ये लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं, क्योंकि इनकी कर्ड शेप होती है, कॉर्निया की शेप कैसे होती है, कर्ड शेप, और इनमें बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पाया जाता है एयर के कंपैरिजन में, तो ये लाइट के रिफ्रैक्शन का काम कर रहे होते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसमें स्पेशली कोलाजन फिब्रिल्स जो हैं वो अरेंज रहते हैं स्ट्रोमा के अंदर, जो कि रिलेटिव डिहाइड्रेशन की स्टेट को बनाए रखते हैं, रिलेटिव डिहाइड्रेशन की स्टेट को बनाए रखने का काम ये कोलाजन फाइबर्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड अरेंज रहते हैं स्ट्रोमा के अंदर। अब नेक्स्ट आईबॉल की स्ट्रक्चर, दैट इज वैस्क्यूलर ट्यूनिक, इसके अंदर कोरॉइड आता है, ये एक थिन ब्राउन टिश्यू है, कोरॉइड इज अ थिन ब्राउन टिश्यू, हाईली वैस्क्यूलराइज्ड होता है, बहुत ब्लड वेसल्स इससे जुड़ी हुई होती है, जिसमें पहले जब अपन ने स्ट्रक्चर बोली थी उसमें कहा था वो वैस्क्यूलराइज्ड बिल्कुल नहीं होती। ये रेटिना को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है, कोरॉइड ओपेक होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, जिससे कि ये श्योर होता है कि कोई भी लाइट जो है वो स्क्लेरा से रेटिना तक जाने के रास्ते में कहीं भी स्कैटर्ड नहीं होगी, कभी फैलेगी नहीं, बिखरेगी नहीं, क्योंकि सीधा उसको रेटिना पर फोकस करना है, इसलिए कोरॉइड जो होता है वो ओपेक स्ट्रक्चर है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व ये पीछे रेटिना बताया गया, ये कोरॉइड बताया गया है, स्क्लेरा बताई गई, तो ये कोरॉइड जो है वो ओपेक है ताकि वो सीधा लाइट को रेटिना पर भेजता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सीलियरी बॉडी, ये एक थिक टिश्यू है आई के अंदर जो कि सीलियरी प्रोसेसेस और मसल्स का बना होता है, ये भी हाईली वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर होती है, ये कोरॉइड के साथ कंटिन्यू रहता है, कोरॉइड बिहाइंड एंड विद द कोरॉइड बिहाइंड एंड द आयरिस इन फ्रंट, ये कंटिन्यूस रहता है, तो इसके पीछे कोरॉइड पाया जा रहा होता है और इसके फ्रंट में आयरिस की स्ट्रक्चर पाई जाती है, सीलियरी बॉडी के बिहाइंड कोरॉइड है और फ्रंट में आयरिस की स्ट्रक्चर है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सीलियरी बॉडी दिखाई गई है, सीलियरी बॉडी को आप देख सकते हैं, ये ऊपर और नीचे सीलियरी बॉडी दिखाई गई है, आयरिस की स्ट्रक्चर देखिए, इसके फ्रंट में आपको आयरिस दिखाई दे रहा है और पीछे क्या है इसके कोरॉइड की स्ट्रक्चर होती है, सीलियरी बॉडी के पीछे क्या है कोरॉइड है और आगे क्या है आयरिस है। सीलियरी प्रोसेसेस क्या हैं, तो ये सीलियरी प्रोसेसेस जो हैं वो एक्वस ह्यूमर का सीक्रीशन करती है हमारे आई के पोस्टीरियर चैम्बर में एंड फ्रॉम इट टू द एंटीरियर चैम्बर, पहले ये पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर को बना रही है और वहाँ से ये ह्यूमर जो है वो एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। ये जो फ्लूड है वो हमारे कॉर्नियल लेंस को नरिश करने का काम कर रहा है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है और स्क्लेरा में ये ड्रेन होता है, जब ये अपना काम कर देगा तो ये फ्लूड ड्रेन होएगा स्क्लेरा में श्लिम कैनाल के साथ में या स्क्लैम कैनाल आप इसको कह सकते हैं, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, तो ये स्क्लेरा में फिर उस फ्लूड को जिससे इसने नरिश कर दिया, ऑक्सीजनेट कर दिया, कौन सा फ्लूड एक्वस ह्यूमर इसने पोस्टीरियर चैम्बर में बनाया था जो कि बाद में एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है, और ये फ्लूड जो है वो कॉर्निया को नरिश और ऑक्सीजनेट, कॉर्नियल लेंस को नरिश और ऑक्सीजनेट करने का काम कर रहा है और बाद में ये स्क्लेरा में चला जाएगा। नेक्स्ट सीलियरी मसल्स, सीलियरी मसल्स सेट ऑफ मसल्स है जिसमें मेरीडायोनल, ऑब्लिक और स्फिंक्टर मसल्स आती हैं जो कि लेंस की शेप पर अपना असर डालती है, जब अपन एकोमोडेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, हम आंखों छोटी या बड़ी कर रहे होते हैं, पास की चीज़ दूर की चीज़ देखने के लिए, दूर की चीज़ देख रहे हैं अपन आंखों को फैलाते हैं, अगर बहुत नज़दीक कोई चीज़ है तो अपन आंखों को छोटी करके पढ़ेंगे, तो ये एकोमोडेशन होता है, तो सीलियरी मसल्स के थ्रू जो है वो लेंस की शेप का चेंज होना यानी एकोमोडेट होना इस सीलियरी मसल्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है, तो लेंस यहाँ सीलियरी मसल से जुड़ा हुआ है इन इलास्टिक लिगामेंट्स के अंदर जॉन्यूल्स का, तो ये लेंस आपको देखो डायग्राम में दिखाया गया है, इसके चारों तरफ सीलियरी मसल्स हैं, ये लिगामेंट्स हैं और आगे कॉर्निया आयरिस है। अब इसके बाद ये लास्ट अपन आयरिस ही पढ़ रहे हैं, ये आयरिस क्या है, ये आई का कलर्ड पोर्शन है जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जा रहा है, ये स्मूथ रेडियल मसल से बना हुआ है, इसमें स्फिंक्टर पैपिली और डायलेटेटर पैपिली पाई जाती हैं, स्फिंक्टर पैपिली और डायलेटेटर पैपिली, ये आप देख सकते हैं, ये स्क्लेरा, ये आयरिस की रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं डायलेटेटर प्यूपल के दौरान और इस लेफ्ट वाले
ग्राम के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल दिखाई गई जिसमें आयरिस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सर्क्यूलर मसल के साथ में। कॉन्स्ट्रिक्टेड मसल, कॉन्स्ट्रिक्टेड पिपल या तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या डायलेट हो रही है भाई, अगर किसी भी कंडीशन में हम आंखों को चौड़ी कर रहे हैं या उनको छोटी कर रहे हैं। तो अगर हम छोटी कर रहे हैं तो आयरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है सर्कुलर मसल्स के थ्रू, और रेडियल मसल के थ्रू आयरिस कॉन्ट्रैक्ट होती है जब अपन पिपल को डायलेट करते हैं, आंखों को बड़ी बड़ी करके देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में आपका ये आई का आज वाला एना फिजियो का टॉपिक ख़त्म। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक क्लास हमारे को और लगेगी जिसमें हम विज़न वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, फंक्शंस और पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक्स वगैरह से आई को पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपने पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जो मैंने आपको नहीं बताया हो आई के अंदर, तो आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ईयर में कोई क्वेश्चन आया तो मुझे बताइए, आपके क्वेश्चन अभी तक मेरे को मिले नहीं हैं, आपने ईयर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए पुराने पेपर आप देखते रहिए, कहीं कोई टॉपिक छूट गया हो, मुझे नहीं ध्यान हो, तो आप मुझे प्लीज़ मेल के थ्रू बताइए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, आपकी क्वारीज़ को आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो आप मुझे क्वेश्चंस भेजिए और पढ़ते रहिए साथ साथ में, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।